हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद तनाज। ये हमारी सीएसएस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आज 8 वीडियो। तो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सीएसएस की मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले सीएसएस की विथ और हाइट प्रॉपर्टी के बारे में कि हाइट और विथ को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हाइट और विथ प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सीएसएस विथ एंड हाइट प्रॉपर्टी सेट द विथ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट या इमेज या किसी भी टेस्ट, किसी भी बॉर्डर की अगर हमें हाइट और विथ सेट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइट प्रॉपर्टी और विथ प्रॉपर्टी। अब विथ क्या होती है, विथ के नाम से पता चलता है चौड़ाई। हॉरिजॉन्टली जो होती है वो हमें कहते हैं विथ को। जो विथ की चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई होती है उसे हम विथ कहते हैं, और जो लंबाई होती है हाइट जो होती है उसे हम हाइट कहते हैं। इनके नाम से पता चलता है विथ और हाइट। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं विथ और हाइट को। तो अपना वीएस कोड ओपन करेंगे। तो गाइस, वीएस कोड के अंदर आ गए, इधर हमने अपना एक एचटीएमएल नाम से फोल्डर बना रखा है, और उसी फोल्डर के अंदर हमने एक index.html नाम से फाइल बना रखी है और style.css नाम से एक फाइल बना रखी है। style.css फाइल का लिंक हमने दिया हुआ है हेड टैग के अंदर, और ये हमारी style.css की फाइल जहां अपनी css की कोडिंग करेंगे। तो डिव के बॉडी के अंदर हमने एक डिव टैग बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने एक दो लाइन का पैराग्राफ दिया हुआ है, और इसी के अंदर हमने एक क्लास बनाई हुई है टेक्स्ट नाम की। इस क्लास को हम एक्सेस करेंगे css के अंदर और काम करेंगे अपना css का। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करूं, तो ये देखें, ये आ गया हमारा टेक्स्ट, आ गया हमारे ब्राउज़र में। अब इस पर हम लगाएंगे अपनी हाइट एंड विथ। तो इसको हम थोड़ा सा अंदर काट देते हैं। तो यहाँ आएंगे अपने स्टाइल और सीएसएस के अंदर, यहाँ हम लिखेंगे डॉट, क्योंकि क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं। मेरी क्लास का नाम है टेक्स्ट वन हमारी क्लास का नाम है। उसके बाद हम देंगे एक बॉर्डर, इसको एक बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर हम लेंगे टू पिक्सल सॉलिड बॉर्डर लेंगे, सॉलिड ब्लू, एक ब्लू सॉलिड, टू पिक्सल सॉलिड ब्लू हम बॉर्डर ले लेंगे। इसको कंट्रोल एस करेंगे, तो ये देखें, ये आ गया हमारा इधर बॉर्डर आ गया हमारे पैराग्राफ पे। अब इधर मैं लगाऊंगा हाइट या विथ लगाएंगे। सबसे पहले हम विथ लगाएंगे, ये मैंने विथ दी। अब विथ मैं देता हूँ, विथ हम लेते हैं परसेंटेज के अंदर भी हम विथ देते हैं और पिक्सल के अंदर भी हम विथ देते हैं। पिक्सल के अंदर जो हम विथ देंगे वो फिक्स होगी, चाहे आप स्क्रीन का साइज छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन वो जो विथ आप देंगे पिक्सल में वो फिक्स रहेगी। और परसेंटेज की क्या होती है, परसेंटेज जो हम देते हैं विड्थ वो स्क्रीन साइज़ के मुताबिक होती है। अगर आप जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसी के मुताबिक वो आपका पैराग्राफ या टेक्स्ट इमेज आएगी। प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हम देंगे विड्थ इसको, तो विड्थ में लूँगा इसकी 500 पिक्सल, हमको विड्थ दे देंगे टेक्स्ट को, और कंट्रोल एस करेंगे, तो ये देखें, इसने जो है 500 पिक्सल की विड्थ ले ली। अगर हम विड्थ ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे अगर कम दें, सबसे पहले इसको अगर मैं इसको 300 पिक्सल दूँ और कंट्रोल एस करें, तो ये देखिए, इसने जो विड्थ ले ली कितनी ले ली, 300 पिक्सल ले ली। इसी तरीके का आप किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेज या किसी बॉर्डर को आप दे सकते हैं विड्थ और हाइट। अब इसको हम हाइट भी दे सकते हैं जिस तरीके से। अगर मैं इसको हाइट दूँ, हाइट हम देंगे इसको 200 पिक्सल या 100 पिक्सल इसको हाइट दे देंगे हम, तो करेंगे कंट्रोल एस, तो ये देखें, यह आ गई हमारी 100 पिक्सल की हाइट। ज़्यादा करते हैं इसको हम ताकि बेहतर से हमें पता चले इसको, तो इसको दे देंगे हम 200 पिक्सल हाइट दी इसको, कंट्रोल एस करेंगे, और ये देखें, ये आ गई हमारी हाइट। तो हाइट और विथ को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं किसी भी इमेज, काफ़ी मेजर है हमारी, क्योंकि हम तकरीबन सारे एलिमेंट के साथ हाइट और विथ यूज़ करते हैं जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं। कितनी हमें किसी इमेज की हाइट चाहिए, कितनी पैराग्राफ की हाइट चाहिए, तो विथ चाहिए, तो हम डिफाइन करते हैं हाइट और विथ प्रॉपर्टी के नाम से। तो इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो होता है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ विथ प्रॉपर्टी के साथ। पिक्सल को हटा के इधर मैं कर दूंगा क्या परसेंटेज की कंट्रोल एस करेंगे, तो ये देखें, ये हमारी 300% आ गई। और इधर क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गया, देख रहे हैं आप, ये आ गया स्क्रॉल बार आ गया हमने, क्योंकि हमारा जो वेब पेज है उसके उससे भी ज़्यादा ये 300 पिक्सल, तो इसको हम कर देंगे 500 करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो ये देखें, इसने ले ली 500 विड्थ। तो अगर मैं इसको 100 कर दूं पूरे, इसको अगर मैं पूरे 100 कर दूं, कंट्रोल एस करें, तो देखें, इसने पूरी स्क्रीन ले ली 100%। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, छोटा करूं, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के साथ साथ हमारा टेक्स्ट भी जो है छोटा हो जा रहा है, हमारा बॉर्डर देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं परसेंट को। परसेंट जो है फिक्स नहीं होती, वो स्क्रीन के हिसाब से होती है, चाहे स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, तो उसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं परसेंटेज को। और हाइट को हम देते हैं, अगर हमें लंबाई चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं हाइट।
तो दो प्रॉपर्टी और होती है इसकी, विथ मैक्स होती है, मैक्स विथ होती है और मिन विथ होती है। इसको हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो किस तरीके से हम विथ को और हाइट को यूज करते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।